अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर हुसैन यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज थॉट के तवस्सुस से हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त हम डिनर कर रहे हैं, हमारे जो चंद दोस्त हजरात हैं वो डिनर में मशगूल हैं। ये डिनर जो है ये एक बड़ा सरप्राइजिंग है हमारे लिए, और कहते हैं ना कि कोरोना के बाद लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, वो ये वही तब्दीली है। आप हम लोग अभी एक शादी के प्रोग्राम में गए, वहाँ पर हमने गवर्नमेंट के की SOPs के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तब्दीली नज़र आई है, और उन्होंने हमें डिनर के टाइम पर जो है एक खाना दिया पार्सल की सूरत में। ये आप शॉपर देख रहे होंगे, शॉपर्स में जो है तमाम जो डिनर के लिए इंतज़ाम किए थे, जिसमें बिरयानी है और दूसरी जो रायता है, मीठा है, उसके अलावा चिकन भी है, ये सारे लवाजमात पूरे किए। और ये हमारे दोस्त फरहान साहब बड़ी इनहमाक से डिनर में मशगूल हैं। फरहान साहब, आप क्या कहते हैं इस डिनर के हवाले से जो हम फ्री में कर रहे हैं? फ्री में तो नहीं कर रहे, लिफाफा दे कर आए। हाँ, लिफाफा हमने एक रिवायत तो कायम रखी है कि हमने लिफाफा दिया है। ये देखें, ये सलमान साहब हैं, ये सलमान साहब जो हैं ये बड़ी यानी शिद्दत से इनको भूख थी, और हम लोग एक जगह चाय के होटल में जो गवर्नमेंट के SOPs के हवाले से ओपन एयर अगर कोई रेस्टोरेंट या होटल है तो आप उसमें डिनर यानी डाइन इन कर सकते हैं। ये अब्बास साहब हैं, अब्बास साहब जो है सिर्फ देखने में मशगूल हैं, इस वक्त इनको भूख नहीं लग रही। ये साजिद साहब हैं, साजिद साहब सर उठाने की भी जहमत नहीं कर रहे हैं, ये शदीद भूख में मुब्तला है। ये सलमान साहब हैं, ये SOPs के हवाले से मास्क लगाकर बैठे हैं और सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। सवाद अशरफ जो हैं ये भी एंजॉय कर रहे हैं सर्दी को और ठंड को, और ये हमारे अरशद साहब हैं ये भी एंजॉय कर रहे हैं। ये जो तब्दीली है, ये तब्दीली एक बड़ी मायने खेज है, और लोग कहते हैं ना कि ये हमारे सलमान साहब भी हैं। तब्दीली जो है बड़ी मायने खेज है, और हमने सोचा नहीं था कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसा भी मामला होंगे। 90s में हमने देखा था कि जो है गवर्नमेंट ने जो एक SOP बनाई थी कि शादियों में खाना नहीं होगा, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक होगी। हमने वो भी देखा, हमने ये भी देखा कि शादियों में और या ऐसे प्रोग्राम में लोग बगैर खाना खाए शादी हॉल से निकले और घरों में जाकर खाना खाया। और अब ऐसा हो रहा है, खाने को पैक करके दिया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि हमारी जो ज़िंदगी है बिल्कुल तब्दील हो जाएंगी। पहले हमारी ज़िंदगी गई 90 डिग्री पर। 90 डिग्रीज पे क्या आती है कि शादी हॉल में जाएंगे, SOPs के हिसाब से खाना खाएंगे, वहीं पे एक टेबल में 4 लोग होंगे। अब 180 पे चली गई है कि शादी हॉल में खाना नहीं खाएंगे, पैक करके घर लेके जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा इंतज़ाम है, और लोगों की तरफ से बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया, और लोगों ने इसको इंजॉय भी किया। घरों पर खाना लेके जाएंगे और घर में बैठ के खाना खाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वक्त की जो बचत हो रही है, वक्त को जो सेव किया जा रहा है, ये भी है। हम इस वक्त शादी से फारिग हो चुके हैं, टाइम अभी 10 बजे हैं और आप देख सकते हैं, और घरों की तरफ रवाना हो चुके हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इस SOP को पॉजिटिवली लें और इंजॉय करें। कोरोना हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, इस ख़तरे से बचें। अब बहुत तेज़ी से जो कोरोना स्प्रेड हो रहा है और लोगों में मुंतकिल हो रहा है, और आप देख रहे होंगे डेथ रेशो भी तेज़ी से इंक्रीज़ कर गया है। इसलिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें, SOPs पर भरपूर अमल करें। शुक्रिया।